नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्ता के नशे में सत्ताधारी नेता आए दिन वाद विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। उन्हीं में से जाने पहचाने कानपुर देहात के दबंग विधायक अपनी दबंगई से काफी प्रचलित हैं। कहीं किसी की जमीन कब्जा करते हैं तो कहीं किसी से अभद्रता या करते हैं पत्रकारों पर मुकदमा। साथ ही साथ इनके काले कारनामे को देख प्रशासन भी मौन रहता है। आइए चलते हैं मुख्य खबर की ओर। और पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां पर मतगणना केंद्र पर मतगणना कार्य में विघ्न और मतगणना केंद्र अकबरपुर डिग्री कॉलेज में आचार संहिता का उल्लंघन कानपुर देहात के दबंग विधायक विनोद कटियार द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई कि मतगणना केंद्र में 200 मीटर की दूरी में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित था। उसके पश्चात भी अपनी दबंगई के दम पर बीजेपी की झंडा और जिला उपाध्यक्ष के पद की पट्टी लगाई हुई गाड़ियों के साथ मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करते हुए आ गए। दबंगई का कार्यक्रम देख मूक दर्शक बनी पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। उसके पश्चात पत्रकार द्वारा विधायक से प्रश्न करने पर हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया गया। साथ ही मीडिया कर्मी से अभद्रजनक तरीके से पेशाना ये विधायक विनोद कटियार की दबंगई के ऊपर इशारा करता है। अब देखना ये होगा कि क्या विधायक विनोद कटियार पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होगी या हर बार की तरह सत्ता का चोला पहने अपनी दबंगई के बल पर अपनी मनमानी करते रहेंगे।